इंदौर इच्छापुर हाईवे का कब होगा चौड़ीकरण? कब थमेगा हाईवे पर मौत का यह सिलसिला? पुराने जनपद कार्यालय के सामने ट्रक और बाइक की टक्कर से एक बढ़वा युवक की मौत। खरगोन जिले के बढ़वा से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे पर आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटना देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर वासियों द्वारा हाईवे चौड़ीकरण की मांग को जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अनसुनी की जा रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले शहर के दोनों तरफ कुछ स्थानों पर गड्ढों का डामरीकरण कार्य हुआ था, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुआ। इस कार्य से आज भी रहवासी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन समस्याओं के चलते शहर के मध्य एवं आसपास वाहन दुर्घटना का सिलसिला आज भी जारी है, जिसके चलते बुधवार दोपहर करीब 2 बजे शहर के नर्मदा रोड स्थित एक राजस्थान पासिंग ट्रक ने बढ़वा गोपालपुरा निवासी गणेश पिता मनोहर चौहान की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गणेश ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद हाईवे मार्ग पर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर घटना स्थल पर बुलाया गया, जहां पुलिस टीम ने आकर मृतक के शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नल फिटिंग का कार्य करता था, जो घटना के दौरान नावघाट खेड़ी स्थित दादा दरबार हॉस्पिटल में नल फिटिंग कार्य के लिए जा रहा था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद SI रामलाल जी डुडवे ने बताया कि घटना के बाद ट्रक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया गया, जबकि वाहन चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट बढ़वा।